अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जबीन्स किचन। आज मैं सूजी और आलू के पराठे बना रही हूँ बिल्कुल एक नए स्टाइल में। तो आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ, तो चलें शुरू करती हूँ। ऑयल को गर्म होने के बाद मैंने इसमें हरा लहसुन डाल दिया था एक खाने का चम्मच भर के। आप चाहें तो नॉर्मल लहसुन भी ले सकते हैं। और जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, इसके फ्राई होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को फ्राई करते हुए ही हम इसमें चाय का चम्मच में सफ़ेद ज़ीरा डाल दूंगी और इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट एक खाने का चम्मच भर के वो डाल दूंगी। चारों चीज़ों को फ्राई करने के बाद मैं इसमें 2 कप पानी डाल दूंगी और हम इसके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे और 2 कप सूजी इसमें डाल के आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको भूनूंगी। और इसको इतनी देर भूनना है कि ये सूजी एक डो की शक्ल में आ जाए। जब डो की शक्ल में आ जाएगी तो हम इसको एक बाउल में निकाल के ठंडा कर लेंगे। सूजी का डो जब नॉर्मल हो जाएगा तो इसके अंदर हम दो मीडियम साइज़ के आलू बॉईल करके डाल देंगे और उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसको आटे की शक्ल में गूंथ लेंगे। और आप चाहें तो इसमें 1/2 कप आटा भी डाल सकते हैं, लाल आटा या मैदा डाल सकते हैं। भूनने के बाद हम इसको 2-3 खाने के चम्मच ऑयल लगाएंगे और इसको ढक के आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। आधा घंटा रेस्ट देने के बाद हम इसको बेलना शुरू करेंगे और बहुत पतले जो पराठे नहीं बेलेंगे और ना बहुत बड़े, इसका साइज़ बस हम एक पूरी जितना रखेंगे। और इसको एक खूबसूरत सा शेप देने के लिए आप इसको किसी चीज़ से इसकी आप कटिंग भी कर सकते हैं। इसको हल्की आंच पे दोनों तरफ से ऑयल लगा के सेक लेंगे। हमारे तैयार हैं। आप चाहें तो इसकी कटिंग ना करें, लेकिन बस कटिंग इसलिए मैंने की है कि ताकि ये प्रेजेंटेशन में थोड़ा खूबसूरत लगे। आप लोग इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।